तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, BSF में हेड कॉन्स्टेबल और ASI की पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक, और आई होप आपने ये भरा भी होगा। ठीक, तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या कैसे आपको इसमें मेहनत करनी है वो बताऊंगा। तो आप पहले कि आप देख लीजिए नोटिफिकेशन पूरा, ठीक, आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं फॉर्म है क्या। तो वही BSF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये फॉर्म है। ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो फॉर्म जो है ये कब से भरा जा रहा है, तो 8 तारीख से भरा जा रहा है, 8 अगस्त से। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 6/9/2022 यानी कि सितंबर है। ठीक है, 6 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि क्या फीस रहेगी इसमें। तो जनरल OBC और EWS की, ठीक है, 200 रुपया रहेगी, और SC और ST के लिए और PH के लिए क्या है, 0 रुपये फीस है। ठीक, अच्छा, जो मिनिमम एज रखा गया है वो क्या कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना 25 साल होना चाहिए। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, बात करते हैं हाइट कितनी रखी गई है। तो हाइट जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट। ठीक, अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो इसमें चेस्ट जो है जनरल OBC और SC के लिए 77 से 82 यानी कि 77 नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे करके ये नॉर्मल हो गया, और एक्सटेंशन पे फुलाने पे 82 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया मेरा, और ऐसे फुलाए तो 82 सेंटीमीटर। ठीक, ST के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर मिनिमम, मतलब जो 76 बिना फुलान के और 81 फुलान के बाद है। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या कितनी पोस्टें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो पोस्ट नेम क्या है, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, टोटल 312 पोस्ट है इसमें। ठीक है, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका हेड कॉन्स्टेबल का। ASI की बात करें, ASI स्टेनोग्राफर की, तो इसमें टोटल 11 पोस्टें दी गई हैं, और 10+2 और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, स्किल आएगा तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या जो आप फॉर्म भर रहे हो उसकी स्किल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर ASI, ठीक है, ASI में जो स्किल है वो शॉर्ट हैंड, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, और जिसमें टाइम जो स्लॉट दिया गया है वो 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का टाइम दिया गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश 50 मिनट, ठीक है, 50 मिनट है, ठीक है, और हिंदी में 65 मिनट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर पे आपको कराया जाएगा। अच्छा, फॉर हेड कॉन्स्टेबल टाइपिस्ट के लिए, सिर्फ हेड कॉन्स्टेबल टाइपिस्ट के लिए क्या है, 35 वर्ड पर मिनट होगा इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होगा ऑन कंप्यूटर, और जो टाइम दिया गया है वो 10 मिनट्स दिया गया है। ठीक, तो ये फॉर्म वही भर पाएगा जिसको टाइपिंग अच्छी आती होगी, वही भर पाएगा। ठीक है, भरने के लिए बहुत लोग भर देंगे, लेकिन क्या है, जिनकी टाइपिंग अच्छी होगी वही पास कर पाएंगे। इसमें टाइपिंग ईजी नहीं होता, टाइपिंग टफ होता है। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो पहले आपका फर्स्ट फेज में क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक, फिर क्या होगा, सेकंड फेज की बात की जाए, सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में रिटर्न एग्जाम, सेकंड फेज में फिजिकल मेजरमेंट होगा आपका, नापा जाएगा हाइट, चेस्ट, ठीक है, ये सब होगा। फिर थर्ड जो आएगा शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर ASI के लिए होगा, ASI स्टेनो। फिर फोर्थ नंबर की क्या है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर हेड कॉन्स्टेबल। अगर आप हेड कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग देखी जाएगी और उधर शॉर्ट हैंड देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा आपका मेडिकल, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें पूछा क्या जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते पूछे क्या पूछा जाएगा। देखिए, फॉर्म वो ही भर पाएंगे जिनका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के साथ आपका फिजिकल मेजरमेंट जितना ये दिया गया है, कितना 165 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर, 1 इंच भी कम होगा तो नहीं रखा जाएगा, ऊपर वालों को रखा जाएगा, नीचे वालों को 1% वो नहीं चलती घूसखोरी। तो सबसे अच्छी जो है फेयर जो है यही सब इन्हीं डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, अच्छा, रिटर्न एग्जाम की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश के लिए 20 मार्क्स,
जनरल इंटेलिजेंस जिसे ये रीजनिंग कहते हैं उसके लिए भी 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ यानी कि 20 मार्क्स, क्लर्कियल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स, टोटल कितना 100 क्वेश्चन, ठीक है 100 क्वेश्चन सुनो, ठीक है। जो टाइम दिया गया है वन आवर फॉर 40 मिनट, ठीक है 1 घंटे 40 मिनट आपको टाइम दिया गया है, ठीक। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे हमको इसको पढ़ना चाहिए। देखिए हिंदी या इंग्लिश जो जिसको आपको इजी लगे वो आप ले लीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, या तो मतलब जब फॉर्म भरते समय हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन आप पे डिपेंड है। अगर हिंदी आप टच कर रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन और ट्यूशन वाली बुक बहुत है, मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक। और अगर आप इंग्लिश टच कर रहे हैं तो पहले आप पढ़ लीजिएगा एशन या अपनी अदर पैरामाउंट की है वो भी आप पढ़ सकते हैं, या मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको देखना कि आपको कन्वीनियंट कौन सा बुक लग रहा है उससे आपको तैयारी करनी है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए जितने प्रीवियस ईयर के पुलिस वाले पेपर्स हैं सब लगा डालिए, ठीक है आपका हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, जितना इजी से इजी हो सके लगा लीजिएगा, आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है आपका मतलब जनरल इंटेलिजेंस क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लर्कल एप्टीट्यूड, आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिएगा, इससे ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एस डी यादव एक और बुक आती है वो आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ कोचिंग कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए वही ट्यूशन और एक यूथ कॉम्पिटिशन की आती है बुक, वो आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशेंट है। ये बुक जो बुक लिस्ट मैंने बताई अगर आप इसी को फॉलो कर लीजिएंगे आप यही एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होंगे और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम स्लॉट टाइम देखना होगा कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम डेट दिया नहीं है तो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर आपने तैयारी करी तो आपका ये बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल या एएसआई आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये फिजिकल मेजरमेंट अगर आप पूरा करते हैं तो ये आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, आप ये हो जाएगा तो आपको इसमें रिटर्न में मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिटर्न में मेहनत करने के लिए आपको अभी से लग जाना चाहिए अगर आप इस पोस्ट को भर रहे हैं, ठीक है। और स्टेनो अगर आपका नहीं अभी सीखा है तो स्टेनो आप भी से सीखने लगिए, ठीक है, और उसके साथ प्रैक्टिस अपना ये कॉम्पिटेटिव वाले जो आएगा सिलेबस इस पर मेहनत करने लगिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जितना भी था मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।